मैंने फार्म ये 1970 में एस्टेब्लिश किया था, वाइल्ड लाइफ फार्म। इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि हमें सारे जानवर इंपोर्ट करने पड़ते थे फॉर द जू, सफारी पार्क या पेट्स किसी ने रखने हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे। और उसमें कैट फैमिली भी मैंने ऐड की कि पूमा, लेपर्ड, टाइगर्स, लायंस, 100 ब्रीड की हैं ये कैट फैमिली। 3 महीने में, 90 डेज में 3-4 बच्चे दे देती है कैट फैमिली। और उसका ये फायदा हुआ है कि द प्राइस जो है वो भी 1/3 हाफ पे चली गई है। गवर्नमेंट से ब्रीडिंग फार्म्स के लाइसेंस लिए हुए हैं एंड वी आर ऑथोराइज टू सेल देम टू एनीबडी। मुझे शेरों का बहुत ज़्यादा शौक था लेकिन मौका नहीं था कभी, क्योंकि इसके लिए तो प्रॉपर आपको जगह चाहिए होती है, प्रॉपर आपको NOCs चाहिए होते हैं। WWF की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसके केजेस अगर बना सकूं तो मैंने पहले केजेस बनाए और फिर मैंने रखे हैं। तो शेर रखे हुए आप समझें कि मुझे कोई 4-5 साल हुआ। इम्पोर्ट के लिए समटाइम्स तो इसकी इजाज़त भी नहीं होती और कभी कभी जब इजाज़त खुलती है तो फिर आपको पता है कि एक तो किसी मुल्क से हमने जानवर ख़रीदने हैं, उसके बाद उसका जो रास्ता है, फिर ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर है, इम्पोर्ट करने से काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। मेरा ख्याल है वाइट लाइन्स का जो बच्चे हैं वो कोई 12-13 लाख रुपए का एक बच्चा है इस वक्त अगर आप इम्पोर्ट करें। यहाँ से अगर लोकल तो फिर जिनके बच्चे हो रहे हैं वो कुछ 8-9 लाख रुपए का, 3-4 लाख रुपए सस्ता पड़ जाता है जो लोकल ब्रीड में। मैंने कोशिश ये की है कि जितने जानवर रखे हुए हैं उनको नेचुरल एनवायरनमेंट दी जाए, जंगल का समा हो, उनकी खुराक जो है सही हो। तो इसलिए हमने इन सारी कबातों से ये बेहतर समझा कि अपने जो है मुल्क में अपने ब्रीड करें और अपने लोगों को जो है अगर वो पेट्स लेते हैं या जू लेते हैं या सफारी पार्क देते हैं तो उनको हम केटर करें।